नौकर चाकर हमारे ऐसे नहीं थे कि 24 घंटे को कोई रहे। हाँ आते थे, सफाई करके जाते। कौन से स्कूल में थे, कहाँ पर? कुसुमबाई वली का जो एयरपोर्ट के पास एक उनका बेस घर है, मगर वो थोड़े थोड़े दिन के बाद कभी छोटी बहन के पास, कभी इधर। फिर आपकी सारी बहनें वहीं हैं? जी सब। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जब मैं गिरने लगी हूँ तो दो हाथों ने आके संभाल लिया। जब तक माँ हयात होती है तो उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, वो साथ चलता है। वेलकम बैक अवती नजरात। आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सुकीना दिलफजीर, पाकिस्तान की सबसे, मतलब इस वक्त पाकिस्तान हिना करता फिरता। मुझे एक्चुअली है ना तुम्हारे लिए मैसेज आते हैं बच्चों के कि हमारी फलां पार्टी में कितना हो जाएगा, कब आ स्वीट। अपने बच्चों को मारती थी? कभी भी नहीं। नहीं यार, आपको मार पड़ी? नहीं, कभी भी नहीं। बहनों ने मारा? बहनों ने एक दूसरे को खूब कूटा है। हाँ, तुम भी मार्च कर रही थी। मुझे एक दफा याद है, मैं गिटार बजा रही थी तो मेरी बहन से हो गई लड़ाई। तो मैंने ना यूं करके, पता नहीं कोई पेंसिल रबर ले लिया होगा एक दूसरे का, तो वो गिटार खुल के ना गले में आ गया। यार दैट्स अ वेरी हार्ड हिट यार। हाँ, मेरे अब्बा ने कंट्रोल उसके सर पे, मेरा मतलब गिटार तोड़ दिया। हाँ, अब्बा ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने डांटना शुरू किया तो अब्बा ने कहा कि इसको छोड़ दो, ये इसकी कहानी अलग है, ये एक अलग बच्चा है, मैं समझा दूं। बाकी है, तुमको अलग रखा अब्बा ने? मेरे अब्बा ने मुझे बहुत ना, मैं उनके साथ हर जगह जाती थी, कई दफा तो ईदगाह में जाके उनके साथ नमाज पढ़ी। हाँ, लड़के की ऐसी ऐसी जाती थी मैं कमीज सलवार पहन के, बट आई वाज वेरी यंग थी तो जाहिर है किसी को क्या पता। हाँ, तो बाल लंबे रखते थे? नहीं, बाल शॉर्ट। मेरे अब्बा कहते थे लड़कों के साथ क्रिकेट शिकेट ये वो बहुत। मेरे अब्बा हॉकी खेलते थे बहुत अच्छी। अच्छा। तो मेरी भी हॉकी आती थी तो मैं भी उनके साथ खेलने जाती थी। आपके आपके आसूदा आसूदा थे? हाँ, अल्लाह का शुक्र हालात ठीक थे। ये छोटे मोटे मसाइल नहीं थे? नहीं, छोटे मोटे मसाइल, ये छोटे मोटे मसाइल। और अगर होते भी थे तो वो बच्चों तक नहीं पहुँचते थे। हमारी अम्मी बहुत सुघड़ है, बहुत ही तरीके से फैमिली को उन्होंने पढ़ाया आगे। नौकर चाकर ये वो सब था? नौकर चाकर हमारे ऐसे नहीं थे कि 24 घंटे को कोई रहे। हाँ आते थे, सफाई करके जाते थे। खाना हमारी अम्मी, इसी वजह हमारे अब्बा का क्लेम था कि मैंने इसी वजह से शादी की। खाना बहुत अच्छी। ये तो सोच की बात। तो अब्बा कहाँ है? अब्बा अब नहीं है दुनिया में। कितना अर्सा हुआ? इट्स बीन 9 years। ज्यादा दिन नहीं हुए, 9 साल के ज्यादा ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो क्या क्या हुआ, किस वजह से? उनका हार्ट फेल हो गया था तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम चलते चलते फिर एक दिन रुक गया। At what age? He was 75. चलो माशाल्लाह, lived a good life. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Happy person. Happy person. खूब काम करते थे, खूब सोते थे, झूठ नहीं बोलते थे, अच्छा खाना खाने का शौक था। नहीं, बहुत वो थे क्योंकि वो बहुत जल्दी सोते थे और बहुत जल्दी उठते थे और काम बहुत करते थे, तो इस वजह से वो मोटे नहीं हुए कभी। तो आखिरी वक्त तक ये नहीं कि सेहतमंद रहे, माशाल्लाह हर चीज़ रही, तो आप फेमस हो गई होंगी उनके ज़माने में? उनके ज़माने में मेरा पहला ड्रामा आया था बंस रोड की नीलोफर, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई एक्टिंग। तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और मैं तो ये सोच रही थी कि शायद वो कहेंगे कि टीवी में। यार यहाँ मर्दों को मेरा वालिद, मेरे वालिद को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी एक्टिंग। हाँ, क्या कर रहे हैं? अम्मी ने बहुत देर में एक्सेप्ट किया। देर से? अब तो मुझे लग रहा है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, वो अम्मी के जो लिखने पढ़ने के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। कोई एक शेर लिखा तो दिखा, कहती थी लाओ दिखाओ, आमियाना सा है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। ये करती थी वो। तो इसके बारे में बड़ी नजर है उनकी अदब पे। तो आपके लेट से बचपन में अगर आप कौन से स्कूल में थे, कहाँ पर? कुसुमबाई वली का जो एयरपोर्ट के पास एक स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। मैट्रिक वहाँ तक? मैट्रिक वहाँ से किया, फिर हमारे अब्बा दुबई चले गए, उसके बाद आप भी चले गए दुबई, हम भी चले गए सारे। फिर वहाँ स्काईलाइन कॉलेज था, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी, कुछ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कुछ उस यूनिवर्सिटी। कहाँ खत्म की आखिरी पढ़ाई में? क्या किया, डिग्री किस चीज की? मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तुम तो साइकोएनालिसिस भी कर सकते हो लोगों।
बहुत मजा आता है पढ़ने में. अम्मी बहुत पढ़ती है, अब्बा बहुत पढ़ते थे. तो एक बच्चों की लाइब्रेरी भी थी, उस लाइब्रेरी पे होती थी लड़ाइयाँ. फिर लाइब्रेरीज अलग कर दी गई तो सबके छोटे 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 कमरों में. 20 साल से हमें सुना अमेरिका में जी. 20 साल में आपकी मुलाकात कितनी दफा हुई है? जब भी छुट्टी मिलती है अमेरिका. नहीं तो वो साल में कितनी दफा? 2012 से अब तक मैं लगाऊं, क्योंकि उससे पहले मेरा वीजा वगैरह नहीं लगा हुआ था. तो मैं बहुत दफा गई. काउंटर वाले भी मुझे कहते हैं तुम फिर आ गई. तो मैंने उनसे कहा कि मेरी अम्मी है यहाँ. 18-20 दफा? काफी दफा. हाँ इतना ही हो. तो वालदा क्या, आपकी तो बहनें भी वहाँ हैं, तो वालदा बहनें एक ही बात है. हाँ यही है. बट डू यू मिस हर? ऑफ कोर्स आई डू मिस हर. मगर उनकी प्रेजेंस मैं मिस करती हूँ. मगर मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ. कोई भी बात होती है तो ये होता है कि अम्मी से कह दें बस. वो क्यों नहीं आती पाकिस्तान? आती हैं. कितने कितने महीने लेके जाती हैं? दो साल में एक बार आती हैं. जब वो आती हैं तो वापस फौरन ही कहती हूँ कि जाने दो मुझे, ये कहाँ में आ गई. बताओ ना क्या कहती हैं आगे. वो खुश होती हैं, वो सारी चीजें इंजॉय करती हैं. अम्मी इज अ पर्सन जो अंदर से एक हैप्पी सोल है, जो जिनके पास शिकायतें बहुत कम है. और वही चीज उन्होंने हमें सिखाई. हाउ डिड शी टेक द पासिंग अवे ऑफ योर फादर? हाँ शी वॉज, शुरू में तो बहुत अपसेट थी और उनको वो लोनलीनेस भी लगती थी. लेकिन हम सब बहनों ने उनका दिल इतना बहलाया. और फिर ये कि अम्मी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है. उनसे आप किसी भी वक्त अगर इस बात पे बात करते थे हम, तो ये कहती थी कि ये कानून है, ये दुनिया का उसूल है और हम सबको इस पे मनोअन यकीन करना चाहिए. दुख में आके आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि हाय ये क्यों हो गया. बिल्कुल होना तो है. जो और अब ज़्यादातर वक्त उनका क्या काम करते हुए, क्या करती हैं वहाँ अमेरिका में? वो नमाजें पढ़ती हैं अपने, वो ये किताब ला देना मुझे, वो किताब ला देना, वो पढ़ती हैं. कौन सी बहन के पास? वो घूमती रहती हैं. एक उनका बेस घर है, मगर वो थोड़े थोड़े दिन के बाद कभी छोटी बहन के पास, कभी इधर. फिर आपकी सारी बहनें वहीं हैं? जी सब. कौन से? एक बहन मेरी यहाँ पर है, वो भी चली जाएगी. कौन से इलाके में? अम्मी न्यू जर्सी में है. जहाँ माँ वहाँ सब कुछ. जुमला था एक बड़ी फेमस फिल्म में कि तेरे पास क्या है? अपनी अम्मी के लिए मैं कहती हूँ कि हाथ दुआओं वाले रोशन करें उजाले, प्रेम की सूरत दया की मूरत, ऐसी और कहाँ है जैसे मेरी माँ. वाह 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 वाह, ये सबको ऐसा लगता है. ये देखें यकीनन ये मोहब्बत ही ऐसी है. ऐसे ही लगता है आपको भी? ऐसे ही माँ है हमारी. कहीं नहीं कहीं हम कहीं ज्यादा रोमांटिसाइज तो नहीं करते अपनी माँ? अच्छा हम लोग इधर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं रोमांटिक. लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जब मैं गिरने लगी हूँ तो दो हाथों ने आके संभाल लिया. वो कैसी भी सिचुएशन हुई मेरी जिंदगी, तो जिसकी माँ होती है उसके पास सारा ही सारा है. हाँ. है ना? और उसके बाद बच्चा महसूस करता है. आप अभी तक अपने बच्चे ही सा महसूस करते हो. माँ जिंदा माशाल्लाह हर रोज माँ. वो पता है क्या, मुझे लगता है कि जब तक माँ हयात होती है तो उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, वो साथ चलता है. जब वो नहीं होती और दूसरी फ्रिक्वेंसी में चली जाती है तो उसके बाद वो जो लेगेसी छोड़ के गई हैं, मजबूत रहने की, स्टिलनेस में रहने की, पैनिक ना होने की, ये अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से ना आपके अंदर जो एक स्टेबिलिटी आती है, स्टिलनेस आती है, ये माँ ही होती है. अगर माँ को ये बात पता हो कि अपने बच्चे को कंफर्ट में रखने के अलावा उसको इन चीजों से कैसे डील करना है ये सिखा जाए, तो ये कमाल हो जाता है. वाह बिल्कुल सही है. अरे तो मैं पूछूं कि आपकी शख्सियत में कितना हिस्सा आपकी वालदा और वालिद का है, तो कैसे आप इसको यू नो डिवाइड करेंगे बिटवीन द टू? कुछ चीजें अब्बा की तरफ की और कुछ अम्मी की तरफ की, और दोनों इतनी बैलेंस्ड हैं कि मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक भी ना
मुझे मिल पाता तो शायद मैं ऐसी ना होती जैसे हूँ. See, you know, actually, these are very, very nice, educated, civilized people, right? Yeah. हर चीज सलीके से, तमीज से, तहजीब से, किससे कैसे बात करनी है, क्यों करनी है. बिल्कुल, बिल्कुल. जी देखो, छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबर की नजर. We'll be right back.